किनोवा की खेती कर रहे हैं और इस साल तो उनका जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड स्तर का रहा है। ये दो किसान हैं ओम प्रकाश राजपुरोहित और योगेश जोशी। तो जानते हैं कि किनोवा की खेती के लिए इन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिला, इनका रुझान कैसे हुआ, कौन कौन सी कठिनाइयां इन्हें आई, तो इन सभी अनुभवों को ये हमसे साझा करेंगे। तो मिलते हैं इन दोनों प्रगतिशील किसानों से। हम लोग जालौर जिले से हैं और जालौर जिले के अंदर हम लोगों ने रानीवाड़ा और साचौर क्षेत्र के अंदर किनोवा की खेती शुरुआत की करीबन 2 वर्ष पहले। हम लोगों ने वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से हम लोगों ने सीड प्राप्त किया और सीड प्राप्त करके हम लोगों ने शुरुआत के अंदर 1-2 फार्म को मॉडल फार्म के तहत बनाकर उसके अंदर किनोवा की खेती का शुरुआत की, जिसके अंदर हमारे को व्हाइट किनोवा सफेद किनोवा की खेती में हमने प्रारंभ किया। और इस खेती के अंदर कहा जाता है कि उत्पादन बहुत अच्छा होता है और किसान की आमदनी बहुत अच्छी होती है और इसके अंदर किसी प्रकार के केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोगों ने शुरुआत किया, पहला हम लोगों ने हमारे फार्म पर इसको ट्रायल करके देखा और ट्रायल के अंदर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और रिजल्ट मिलने से हम लोगों को बहुत किसानों के अंदर हम लोगों ने आसपास के सारे किसानों को इस चीज के बारे में बताया और आज हमारे साचौर के अंदर और रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर या जालौर के अंदर किनोवा की खेती बड़े पैमाने पे हो रही है। किनोवा की खेती बेसिकली ये हमारे यहाँ देश की खेती नहीं है, ये वेस्टली पेरू कंट्री का एक सीड है, ठीक है। और यहाँ पेरू कंट्री से मान लीजिए किनोवा के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये किनोवा जो पैदा होता है ये हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर और इसमें यूज होता है, जिसके अंदर सारे प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। तो इस खेती को करने के लिए बाहर के लोग और विदेश के लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे राजस्थान के किसानों के लिए अगर ये किनोवा की खेती सफल प्रयास के साथ अगर हमें किसी अच्छे मार्गदर्शन के साथ अगर शुरुआत मिलती है तो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। बेसिकली इस खेती के अंदर हम लोग शुरुआत में अक्टूबर महीने में इसकी बुवाई करते हैं, ठीक है। अक्टूबर महीने के अंदर बुवाई के अंदर इसका करीबन हम लोगों को 1 एकड़ के अंदर 1 किलो से 2 किलो के बीच में इसका बीज पड़ता है, ठीक है। और शुरुआत के अंदर इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम रहती है, हमें करीबन पूरी क्रॉप के अंदर 4 बार पानी देना पड़ता है। तो इसकी शुरुआत और इसकी जो है पौधे की हाइट है, हम लोग मान लीजिए देसी भाषा में कह सकते हैं जैसे हमारा बाजरा होता है गर्मियों के अंदर, उस बाजरे के बराबर इसके पौधे की हाइट रहती है। और इसके अंदर हार्वेस्ट के टाइम भी आसानी से एकदम हार्वेस्ट हो जाता है, थ्रेसर लगाकर हम उसको क्लीन कर एकदम प्रॉपर रूप से ले सकते हैं। अक्टूबर महीने में इसकी बुवाई करने के बाद जैसे ही आप इसको देसी खाद गोबर की खाद और जितने भी अपने वर्मी कंपोस्ट हैं और किसी प्रकार का केमिकल डालने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का रोग अभी तक नहीं लगा है। और हम लोग अक्टूबर महीने में इसकी बुवाई करते हैं। अक्टूबर महीने में बुवाई करने के बाद ये करीबन 2 से 4 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है, 2 से 4 दिन के अंदर ये पौधा बाहर निकल जाता है और इसके अंदर किसी प्रकार का यूरिया डीएपी या पेस्टिसाइड छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें हमारे खेत के अंदर इसको बुवाई करने से पहले गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट से भरपूर इसको जुताई कर देना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को जब क्रॉप जर्मिनेशन हो जाती है तब इसके अंदर हम उनको पहला पानी देना है और पहले पानी के बाद अगर आपके पास अच्छा कोई बायो पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जो उसको ग्रोथ रेगुलेटर के रूप से जर्मिनेशन के बाद उसको बढ़ाने का काम करता है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। और विद इन ये क्षेत्र में 3 महीने से 4 महीने में इस क्रॉप खड़ी हो जाती है। इसके अंदर बीच में जो खरपतवार वगैरह है वो भी कम लगती है और इसके अंदर जब 4 महीने में एक क्रॉप हो जाती है तो आप मान लीजिए हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि आपने राजगिरे की खेती देखी होगी। राजगिरे की खेती के जिस तरह से रंग रंगीला और बहुत ही सुंदर आपका खेत दिखता है, इसलिए आसपास के लोग भी जरूर आकर आपको पूछेंगे कि क्रॉप आपने कौन सी लगाई है और बहुत ही सुंदर एक बगीचे की तरह आपका खेत दिखने लगता है। 4 महीने बाद जब ये क्रॉप हो जाती है तो दाना सूखने लगता है और जैसे बाजरे की तरह इसको आप भी थ्रेसर के द्वारा क्लीन कर दाना बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि राजस्थान भी एक ऐसा प्रदेश है जो पेरू के अंदर जो वातावरण है, ठीक है, पेरू का जो तापमान है उस तापमान के अनुसार जो राजस्थान का एनवायरनमेंट और तापमान है उसके हिसाब से बहुत ही अनुकूल है। सेकेंडली हम लोग राजस्थान में हमारे पास पानी की बहुत बड़ी समस्या है और एक किनोवा एक ऐसी खेती है जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए, तो हमारे प्रदेश में मरु प्रदेश में ये सबसे अच्छा सक्सेसफुल किनोवा का क्रॉप है। ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसका जो लाल कलर का एक क्रॉप निकलता है पूरा, उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग हार्वेस्ट हो जाता है
तो उसका दाना सूख जाता है। सूखने के बाद हम लोग इसको कटाई करके नीचे से और इसको एज ए जो राजगिरे की फसल या बाजरे की फसल लेते हैं उसी तरह से आपको किनवा की फसल एज ए थ्रेसर से आप उसको ले सकते हैं और थ्रेसर से आपका वेस्टेज अलग निकल जाएगा और सीड अलग आएगा। ये क्रॉप हम लोग सिमिलर ले सकते हैं जो हमारे राजस्थान के अंदर और गुजरात के आसपास जैसे रामदाना राजगिरा जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे व्रत में या ब्रेकफास्ट में हम लोग उसका यूज करते हैं, उसी तरह की क्रॉप प्रजाति है ये। जैसे इस पे हमारे एरिया में इसको लोग काफी लोग हाइब्रिड राजगिरा भी बोलते हैं, तो मतलब क्योंकि लोगों का इसका नाम पता नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी क्रॉप है। और आने वाले टाइम के अंदर जो मार्केट में हम लोग देख रहे हैं जितने भी मार्केट में भी प्रोडक्ट आ रहे हैं किनवा के, और बहुत ही सक्सेसफुल इस इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है ये चीज। इसको अच्छा मार्केटिंग और अच्छे लोगों की अच्छी कंपनियों की जरूरत है, और सरकार अगर थोड़ी बहुत मदद करती है इस काम के अंदर तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार ने ये बीज बांटा है, सरकार इसको हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनका फेसबुक उनके ट्विटर हर जगह पे उन्होंने किनवा खेती के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है और मीडिया में भी बहुत बार उन्होंने कहा है। तो हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि जो कंपनी सरकार की ये सीड खरीदती है तो उसका दाम है, आज हम लोग कह रहे हैं कि 800-900 रुपए किलो बिकता है, तो वो एक टाइम था जब पेरू कंट्री से इम्पोर्ट होकर जब ये इंडिया पोर्ट पे आता था तो कम से कम इसकी कीमत 700 रुपए थी, लेकिन आज उसका भाव डाउन हो गया है और आज करीबन इंडिया पोर्ट पे आने की कीमत 220 रुपए है। तो हम लोग किसानों को सही जानकारी दें जिसके अंदर ये पता चले किसान किसी तरह से भ्रमित ना हो, और हम लोगों को पता चले कि किसानों की जो खेती है ये प्रोसेस करने के बाद 200 या 300 रुपए में मार्केट में बिकता है। मार्केटिंग में अभी इंडिया में 4-5 कंपनी है जो मोस्टली हैदराबाद की कंपनी है जो मोस्टली सीड को वितरण भी करती है और वापस बाई बैक करके इस माल को खरीदती भी है, लेकिन जो क्वालिटी है क्वालिटी के अंदर राजस्थान में अलग अलग एरिया में भिन्न भिन्न वेराइटीज पैदा हो रही है किनवा की। तो हम लोगों को सबसे अच्छा तो ये देखना कि सीड मैनेजमेंट पे हमें काम करना होगा किनवा की, जिसके अंदर हमारा किनवा का दाना बोल्ड निकले और बड़ा दाना हो जिससे हमारे किसान को अच्छी कीमत मिले। हमारे जालौर जिले के अंदर मान लीजिए सायला बेल्ट में, रानीवाड़ा बेल्ट में और साचौर बेल्ट में किनवा की बंपर पैदावार है, करीबन हम मान लीजिए 300-400 टन मैट्रिक टन हमारे यहाँ पर पैदावार है। और हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि अभी किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है किनवा की खेती को लेकर, उन्होंने किनवा को उन्होंने किसानों ने लगा तो दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है मार्केटिंग की। किसान जब भी पैदा करके इसकी मार्च में जब भी कटाई हो जाती है तो किसान के पास कोई अल्टरनेट नहीं रहता इसे बेचने के लिए, जितनी भी कंपनी आए या कंपनी एग्रीमेंट करती है तो मंडी में इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहला सरकार से मेरा ये निवेदन है कि इसको मंडी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि मंडी में दायरे में लाने के बाद अगर मान लीजिए इसको टैक्स फ्री भी करते हैं किसान क्रॉप को, लेकिन मंडी में इसका एक वितरण का और खरीदने का व्यवस्था मंडी में होनी चाहिए। किसान अभी उस क्रॉप को लेके घर पे बैठा हुआ है और किसान इस क्रॉप को बराबर क्रॉप नहीं कर पा रहा है, उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर किनवा की खेती के लिए अगर सरकार अगर आगे बढ़ती है और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां इस किनवा के ब्रांड को निकाल रही है मार्केट में, अगर उनका गेट टुगेदर सरकार अपने लेवल पर करती है जयपुर में बुलाकर, तो किसानों के लिए आने वाले टाइम के अंदर राजस्थान के अंदर आने वाले टाइम के अंदर किनवा की खेती का अच्छा मुकाम हासिल हो सकता है। और ये जो किनवा की खेती के बारे में जानकारी मैंने दी ये मैं करीबन 3 साल से खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, और मैं सबसे निवेदन करूंगा किसान भाइयों को कि इसको पूरा पूरा अच्छी तरह से आप करें। आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी पैदावार की क्रॉप है, लेकिन इसकी मार्केटिंग के लिए भी बहुत विचार करना बहुत जरूरी है। नमस्कार। धंधा है जो एग्रीकल्चर।